तो भाई लोगों, आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो है WCC 3 के अंदर ये वाला अपडेट था वो इतना अच्छा नहीं था। एक बक्स का अपडेट देखने को मिला, बट उसके अंदर भी कोई ज़्यादा, यानी कि आप सभी लोग पता ही कि इतना नहीं था, 40 MB का अपडेट था। बट अब फेस्ट 2 का अपडेट जो है WCC 3 का, इसका सभी लोग वेट कर रहे हैं। बट ये फेस्ट 2 अपडेट नहीं है, यानी कि फेस्ट 2 नाम सिर्फ दे दिया है कि दूसरा अपडेट। भाई ऐसे तो ये 5 बार ऐसा, यानी कि कोई भी अपडेट हो सकता था, बट एक ये मेगा अपडेट होने वाला है जो कि आप सभी लोगों को शायद जनवरी के महीने में देखने को मिले, या फिर इसी महीने के एंड में देखने को मिले, या फिर कोई भी महीने, यानी कि ये जो 2-3 महीने में ही देखने को मिलेगा आपको ये जो है अपडेट। बट अब चलिए, सवाल हमारा रहता है WCC 4। अब भाई लोगों, मैं बता दूं कि WCC 4 के बारे में कंपनी ने साफ मना कर दिया है कि अभी तक हम सोच नहीं रहे इस गेम के बारे में कि WCC 4 को हम लॉन्च करेंगे। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है कि WCC 4 जो है वो नहीं आने वाला है, 2023 में भी शायद नहीं आ सकता है, क्योंकि एक नया गेम बनाने में थोड़ा सा टाइम वगैरह तो लगता ही है। तो कंपनी कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं दे रही है, तो शायद बहुत समय निकल सकता है, क्योंकि आप सभी लोग पता ही, नया गेम बनाओगे तो आप सभी लोगों को टाइम तो लगेगा। जैसे सचिन सागर भी अभी तक नहीं आ रहा है, सचिन सागर 2.0, तो उसके बारे में भी यानी कि सवाल वगैरह रहते हैं सर काफ़ी सारे लोगों के कि गेम कब तक आए। तो भाई लोग बता दूँ कि नया गेम बनाना टाइम लगता है और समय निकल जाता है। अगर आप नया गेम कोई बना रहे हो तो उसमें समय निकलता है, पुराने गेम को कुछ अपडेट वगैरह करना है तो उसमें भी टाइम निकलता है। आप सभी लोग पता है कितना टाइम समय लगता है कोई मेगा अपडेट आता है, तो गेम बनाने में टाइम तो लगेगा ही। तो अभी तक यानी कि जो भी फैंस है WCC 3 के, जो लोग WCC 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन लोगों को सिर्फ मैं एक ही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी के लिए WCC 4 आने वाला है नहीं, और कंपनी जो है मेरे हिसाब से WCC 4 को लाएगा ही नहीं। जो भी है WCC 3 के अंदर ही चेंज करेगी, लेकिन इन फ्यूचर मैं नहीं बता सकता हूँ कि आगे देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी देखने को मिल सकता है। अब थोड़े से आप भी कन्फ्यूज़ हो रहे होगे कि भाई क्या बता रहे हो। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि कंपनी जो है WCC 3 के अंदर ही बेस्ट करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने करियर मोड, उसी के साथ ही काफ़ी सारे फीचर, कितने सारे इवेंट भी होते हैं WCC 3 के, जैसे रेड बुल इवेंट, और आप सभी लोग पता ही है कि यही इवेंट के चलते मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि WCC 4 के बारे में कंपनी सोच ही नहीं रही है। WCC 3 को ही बेटर बनाएगी, बहुत जल्दी ये गेम अच्छा हो जाएगा। बट अभी के लिए कंपनी थोड़ा सा, यानी कि ऐसे लोग समझ सकते हो कि जहाँ तक जो कुछ मिलता नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या करें क्या ना करें। WCC 2 का एक समय जलवा था जो कि उस गेम को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा था, बट अभी के लिए थोड़ा सा गेम को, और सबकी बारी आती है, एक गेम डाउन जाता है, कभी उसे जो है आगे भी चला जाना पड़ता है, कभी ऐसा भी लगता है कि ये गेम अच्छा चल रहा है, इसको कोई भी टक्कर नहीं दे पाता, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि भाई इससे ये गेम बेटर है, ये गेम इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो ऐसा भी समय आता है। तो मेरे हिसाब से ये वही समय चल रहा है, और कंपनी बहुत जल्दी वापसी करेगी, अच्छे अपडेट देगी, तभी जो है गेम चल सकता है। और अच्छे अपडेट में कटसीन नहीं चाहिए लोगों को, कुछ अच्छा चाहिए। जब तक कुछ अच्छा नहीं आता तब तक के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, और अगर कंपनी को अच्छा करना है तो अच्छा अपडेट लाना पड़ेगा, गेम प्ले वगैरह के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। और जैसे कि गेम के अंदर कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है, बट कुछ यूनिक फीचर है, जैसे कस्टमाइज करना, उसी के साथ ही नेम चेंज करना, स्क्वाड अपनी तरीके से तैयार करना। तो स्क्वाड वगैरह अपडेट के बारे में भाई लोगों, आप सभी लोग सोचे हो मत, क्योंकि यहाँ पर अगर जो चलती है स्क्वाड, उसके अंदर किसी के प्लेयर का जो है रियल नेम भी नहीं होता है, तो ये डाउट रहता है। लेकिन जो भी चलती है लीग वगैरह, उसके अंदर तो हमें रियल प्लेयर देखने को मिले, ऐसा कुछ कंपनी करते अच्छी बात है। अब देखिए, रियल जर्सी भी आ चुका है इस गेम के अंदर, जो कि पुराना है, जो वो रियल जर्सी आया है वनडे वगैरह का, बट अभी के लिए जो लेटेस्ट जर्सी है वो नहीं है, तो शायद कंपनी उसी चीज़ों के बारे में सोच रही होगी। और ग्राफिक के अंदर भी चेंज करने वाले WCC 3 के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाने वाला है, इसके ऊपर जो है एक अपडेट। तो बहुत समय यानी कि टाइम लग सकता है मेरे हिसाब से, बट जो फ्यूचर है उसके बारे में मुझे थोड़ी सी न्यूज़ मिली है, बट वो थोड़ी सी कंफर्मेशन मुझे नहीं लग रही है, लेकिन कुछ भी कंफर्मेशन होता है तो मैं आपसे लोग बता दूंगा जरूर से। बाकी ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और मेरे भाई हाँ, चैनल में न्यू हो तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो है मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो लाता रहूँ, गेमिंग अपडेट हो या फिर टिप्स एंड ट्रिक। बाकी बेल वाली घंटी को दबा दीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल पाए। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।